हेलो एवरीवन, ये रहा आपका एएमयू का वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्जाम्स डॉट कॉम। यहाँ से आप अपने रिजल्ट और काउंसलिंग रिलेटेड शेड्यूल देख सकते हैं, डिफरेंट नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो कि टाइम टू टाइम आते हैं। तो इसको आप नोट करके रखिए, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ करना होगा इन फ्यूचर अगर आप एडमिशन या और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। एएमयू में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं इसी पोर्टल से मोस्टली मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं। कुछ बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए हैं हमारे YouTube चैनल की मार्फत और WhatsApp ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में भी और Facebook वगैरह पे भी। तो आप यहाँ देख रहे हैं एडमिशन सेक्शन में यहाँ पे तीन चार लिंक्स अपीयर हो रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल दिया हुआ है, उसके बाद लिंक फॉर शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग एडमिशन 2021 एंड ऐसे ही यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड एडमिशन। इस पर थर्ड वाले लिंक पर आपको अभी क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पे जो तीन चार सवाल बच्चों से हमें मिले हैं, मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चों ने सवाल पूछे हैं वो ये हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने अपलोड करने हैं ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ टीसी या माइग्रेशन नहीं है तो क्या करें, माइग्रेशन और टीसी के बगैर क्या काउंसलिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ये भी सवाल आपको यहीं पे हम आंसर देंगे इसका भी। थर्ड आपका सवाल आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करेंगे, और फोर्थ आ रहा है किस किस को रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं करना है। तो इन सारे सवालों के जवाब, हो सकता है और भी कुछ और सवाल हो तो वो सब हम अभी देखने वाले हैं, आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम सबसे पहले यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आपको बता देते हैं क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का और किस किसने अप्लाई करना है किसने नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और इस मैनुअल में हमें सब कुछ दिख जाएगा, वो हम आपको बता देते हैं। ये ओपन हो रहा है, ये हो गया ओपन आपका, और हम इसको देखिए 13 पेज का है ये नोटिफिकेशन, इसको आप देखें गौर से। ये आ गया यूज़र मैनुअल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। होल्ड ऑन, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये काउंसलिंग जो है उसे ऑनलाइन होगी, और दूसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ कि ये लिंक है, और आपने चाहे आपका नाम सेलेक्ट लिस्ट में हो, चाहे आपका चांस में हो नाम हो, चाहे नॉमिनेशन लिस्ट में, कहीं पे भी आपका नाम अगर है तो आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा। लिंक ये दिया हुआ, तो इस लिंक को आप एड्रेस बार में डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पे पोर्टल पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे क्या दिया हुआ इसको देख लेते हैं। अगले पॉइंट में देखिए कि कह रहा है कि अगर आपने पूरे स्टेप्स जो भी ये दिए हुए इनको अगर कंप्लीट नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आप एडमिशन में इंटरेस्टेड नहीं है और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे में आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हर एक पॉइंट को आपने पूरा करना है और बड़े गौर से पूरा करना होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ऐसे आपका ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ पर एक अपना सेट करेंगे, और उस पासवर्ड को अगर हो सके तो आप नोट करके कहीं रखिएगा डायरी वगैरह में, जहाँ से वो मिस होने के चांस ना हो। अगर किसी वजह से मिस हो जाए तो आप रिसेट करेंगे उसको। ठीक है, और अगर आप अपनी ही डिवाइस पे एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको रिमेंबर पासवर्ड करके यहीं पे सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहीं से उस सिस्टम खुद उसको ले लेगा। लेकिन अगर आप किसी साइबर कैफे पे या कहने चाहिए शेयर्ड कंप्यूटर पे अगर एक्सेस कर रहे हैं तो आप ऐसा मत करिएगा, दूसरा कोई आपका पासवर्ड ले लेगा, जो कि अच्छी बात नहीं हो सकती। यहाँ से आप आगे करेंगे बढ़ेंगे, रजिस्टर कर लेंगे अपने आपको, और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और इनको डालने के बाद आप अपना मेल आईडी जो अभी आपने डाला है उसको आप वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ही यहाँ पे वेरीफाई करेंगे अपना मोबाइल नंबर भी, उसको ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डालेंगे और आगे बढ़ेंगे, वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से ओटीपी। ओके, जो वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी मोबाइल पे भी और ईमेल पे भी, तो आपको इस तरह का आइकन दिखेगा, ऐसे करके ये विंडो दिखाई देगी, कलर्ड हो जाएगी। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे, और पासवर्ड डालने के बाद इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और कहेंगे आई एम नॉट ए रोबोट, मैं रोबोट नहीं हूँ। उसके बाद फिर से आप यहाँ रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक सवाल ये भी आपका है कि अगर हमारा दो तीन चार कोर्सेज में सिलेक्शन हुआ है तो हमने क्या अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना, रजिस्ट्रेशन एक ही साथ होगा सबका, अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब अगर आपने अपना काउंसलिंग अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ से आप उसको लॉगिन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया कि अगर आप भूल जाएं अपना पासवर्ड, मिस कर दें, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप अपना फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, और यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करके आगे बढ़ेंगे, आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। इसके बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, तो आप फोटो अपलोड करेंगे यहाँ से। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो स्कैन करके आप अपने मोबाइल या लैपटॉप या सिस्टम पर रखेंगे, और उसके बाद वन बाई वन सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते चले जाएंगे। देखिए, फोटो आपका चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपका चाहिए, ग्रेजुएशन आपने किया तो वो भी चाहिए, अदर कोई डॉक्यूमेंट वो आप अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, मास्टर्स अगर कुछ किया हुआ है आप, वो पीएचडी के लिए एडमिशन चाहते हैं तब आप उस केस में आपको मास्टर की डिग्री भी, सॉरी मार्कशीट भी एटलीस्ट अपलोड करनी होगी। बाकी डिग्री तो शायद बाद में मिलती है, तो जनरली आपको से डिग्री नहीं मांगी जाएगी, लेकिन मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी। स्पेशल कैटेगरी का कोई डॉक्यूमेंट है, लाइक आपके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम है और पीएच कैटेगरी में आप आते हैं फिजिकली,
हैंडीकैप, तो उसके इसमें आपको स्पेशल सर्टिफिकेट या ओबीसी सर्टिफिकेट या इस तरह का कोई रिजर्वेशन एप्लीकेबल है कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में, एएमयू की के हिसाब से आप देख लेना कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल हैं, और अगर ज़रूरत है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है ये विंडो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे और वो फाइल फिर सिस्टम से उठा लेगा। आगे बढ़ेंगे आप अपलोड कर देंगे, और ऐसे ही फिर दूसरा डॉक्यूमेंट, फिर तीसरा डॉक्यूमेंट कर करके नेक्स्ट पे आप आगे बढ़ते रहना। यहाँ पर आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी दी हुई है, आपने देखिए ये अपलोड करना है, 12th का भी अपलोड करना है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। यहाँ पे इसने क्लियर भी किया हुआ कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं लाइक एमबीए, तो अब आपने ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपको 12th के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, मार्कशीट वगैरह, और ऐसे ही आप अगर पीएचडी के लिए कर रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री तक के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ तक बात है या टीसी की बात है, तो वो आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कहीं भी माइग्रेशन हाथ हाथ नहीं मांगा जाता, कुछ टाइम आपको मिलेगा। टीसी के लिए भी आपको टाइम मिलेगा। अगर एनओसी आपके केस में अप्लीकेबल होगी, सपोज आप कहीं पे वर्किंग है वहाँ से आपको चाहिए छुट्टी पढ़ने के लिए, तो इस केस में आपको एनओसी चाहिए होती है, और ऐसे में भी आपको टाइम दिया जाएगा। मार्कशीट और अदर एग्जामिनेशन, इसके अलावा कुछ और एग्जामिनेशन आपने पास किए हुए हैं तो उनकी मार्कशीट भी अभी देना ज़रूरी नहीं होगा। आप जो डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, वो JPEG और इस फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ से आप ये सारे फॉर्मेट देख सकते हैं, जो से वही डॉक्यूमेंट वाली विंडो अपेयर हो रही है, और आपको हमने बता दिया था कैसे आप इसको अपलोड करेंगे, तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आप, ये भी इसी से मिलती जुलता विंडो है। आपको लगता है कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया, तो आप जाएंगे रिसेट बटन पे, और रिसेट बटन पे क्लिक करके आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये रिसेट बटन, जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड होंगे उतने नंबर यहाँ पर आते रहेंगे, जैसे फोटो वन पे था तो वन आ गया, फोटो आ गया, ऐसे जो अपलोड होता रहेगा वो सब यहाँ पे दिखता रहेगा आपको। आगे जाकर के आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें आपने अप्लाई किया है उनके बारे में डिटेल दी होगी, और काउंसलिंग डैशबोर्ड के नाम से यहाँ पर लिखा होगा, और आपको दिख जाएगा कि किस उसमें आपने अप्लाई किया हुआ है और कहाँ कहाँ पर आपने ये प्रोसेस कर दिया है। प्रोसीड पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे फिर से यहाँ पर, उसके बाद आपको ऐसा बॉक्स दिखाई देगा, और इसमें कहा जाएगा योर नेम ऑल्सो अपेयर इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू। तो यहाँ से आप ओके या कैंसिल करके आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि अगर आपने स्पेशल कैटेगरी में एडमिशन नहीं लेना है तो आप ओके बटन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, सॉरी, अगर आपने स्पेशल कैटेगरी में एडमिशन लेना है तो आप ओके करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी, और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो प्रेफरेंस ऑर्डर ऐसा करके ये विंडो भी अपेयर हो जाएगी। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर अपना देना है। इसके आगे आपसे पूछा जा रहा है अपग्रेडेशन के लिए आप एग्री हैं या नहीं है, तो यहाँ पे अपना कंसेंट आपको देना होगा कि अपग्रेडेशन आप चाहते हो या नहीं चाहते। ये आ गया आपका अंडरटेकिंग बॉक्स, और आपसे कहा जा रहा है सेव द चॉइसेस फॉर एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन विद इन द टाइम ड्यूरेशन गिवन फॉर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइलिंग ऑफ चॉइसेस इन काउंसलिंग शेड्यूल। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर इस तरह का स्टेटस दिखाई देगा, सबमिटेड। आगे कह रहा है अगर आपने देर कर दी तो फिर आपको देन द चॉइस कैन नॉट बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड, फिर चॉइस को मॉडिफाई या अल्टर नहीं किया जा सकता। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसको ऑनलाइन जाकर के फी पे करनी होगी, एडमिशन कंफर्म करना होगा। ये इस तरह की विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे आप अपना मेक ए पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे और अपना पेमेंट कर देंगे। फिर आगे इसी तरह की देखो विंडो ये अपीयर हो रही है, यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल मांगी जा रही है और UPI एड्रेस मांगा गया है। ओके, यहाँ पे अपग्रेडेशन की बात कर रहा है कि अपग्रेडेशन भी होगा जिसने ऑप्ट किया होगा। अपग्रेडेशन आप समझते हो कि एक ही कोर्स, सपोज कॉमन एंट्रेंस अगर कहीं पे है कुछ दो तीन कोर्सेज के लिए, उसमें माइग्रेट कर सकता है बच्चा एक से दूसरे में, जैसे BSc और BSc बायोलॉजी का केस होता है जामिया की अगर हम बात करें तो बहुत से बच्चे जो है वो बायोटेक को प्रेफर करते हैं ज़्यादातर बच्चे, तो BSc बायो साइंस से टेक में जैसी जगह बनती है बच्चों को अपग्रेड कर दिया जाता है। अगर आपने इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, फी वगैरह डिपॉजिट कर दी, तो फिर आपको फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए कहा जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको प्रेजेंट होना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा से वहाँ फिजिकली चेक कराने होंगे। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है भले ही आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, आपको आने जाने में दिक्कत हो, बट आपने फिजिकली आना होगा और डॉक्यूमेंट्स तो अपने वेरीफाई कराने ही होंगे अगर एडमिशन आपको मिलता है तो। उसके बाद बारी आती है कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, अगर आप चाहते हो कि एडमिशन लेने के बाद भी आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो आप ऑनलाइन ये काम कर सकते हो, और फी रिफंड जहाँ भी पॉसिबल है परमिसिबल है वो आपको कर दिया जाएगा एज़ पर AMU रूल्स।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी जरूरी थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेरी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।